क्या मरियम नवाज ने वाकई ही अपने बेटे जुनेद सफदर को शादी पर करोड़ों की गाड़ी तोहफे में दी? सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों की हकीकत सामने आ गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज ने शादी के मौके पर बेटी को महंगी गाड़ी तोहफा में देने की अफवाहों की तरदीद करते हुए ट्विटर पर पैगाम जारी कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही थी कि मरियम नवाज ने अपने बेटे जुनेद सफदर को शादी पर इंतहाई महंगी गाड़ी का तोहफा दिया है। कई सोशल मीडिया पेजेस ने दावा किया था कि मरियम नवाज ने जुनेद को मर्सिडीज G64 AMG गाड़ी का तोहफा दिया है, जिसकी कीमत 140 मिलियन है, जो तकरीबन 14 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। मुख्तलिफ सोशल मीडिया पेजेस पर यह भी कहा गया कि मरियम नवाज की जानिब से जुनेद सफदर को दी जाने वाली अब तक की पंजाब में रजिस्टर होने वाली सबसे महंगी गाड़ी है। इसके अलावा गाड़ी का 5.3 मिलियन यानी पाकिस्तानी 53 लाख रुपए का टैक्स अदा किया गया, जो किसी गाड़ी का अब तक का सबसे ज्यादा अदा किया गया टैक्स है। ताहम मरियम नवाज ने इन तमाम खबरों की तरदीद की है। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर ने ये खबर शेयर करने वाले सोशल मीडिया पेजेस के स्क्रीनशॉट्स ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, ये खुला झूठ पूरे सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। ये मायूस कुन है कि किस तरह मारूफ अकाउंट्स बगैर किसी तस्दीक के जाली खबरों को फैलाते हैं।